नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेव लिमिटर के बारे में। रेव लिमिटर समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेव लिमिटर और स्पीड लिमिटर दो अलग अलग चीजें होती है। रेव लिमिटर गाड़ी के इंजन की आरपीएम पे एक लिमिटर लगाया जाता है। लिमिटर का मतलब होता है किसी भी चीज को लिमिट करने के लिए लगाया गया डिवाइस या लगाई गई चीज या जो भी चीज किसी चीज को लिमिट करे उसे लिमिटर कहते हैं। गाड़ी के आरपीएम जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पेट्रोल कार है और पेट्रोल इंजन जो है ज्यादा रेव कर पाते हैं डीजल इंजन के मुकाबले। तो यहाँ पे आप देखिए कि 6500 आरपीएम के आसपास रेड लाइन शुरू होती है जो कि धीरे 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 थिक होती रहती है। 7500 के बाद ऑल द वे वो थिक रहती है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्यों दी गई है, ये तो आपको ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि इसका मतलब ये है कि गाड़ी का इंजन हेल्दीली यहाँ 6500 आरपीएम तक तो रेव करेगा, उसके बाद में गाड़ी के इंजन को बहुत ज्यादा डैमेज होने की चांसेस है और 7500 के बाद तो भैया आपको ले जाना ऑलमोस्ट मना ही है। ये इसके बारे में, हालांकि गाड़ियों की कैपेसिटी डेफिनेटली ज्यादा होती है लेकिन फिर भी कार मैन्युफैक्चरर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि इससे ज्यादा इंजन को रेव ना किया जाए। इसीलिए रेव ना किया जाए इस चीज को ध्यान रखने के लिए कार मैन्युफैक्चरर्स देते हैं गाड़ी में एक लिमिटर। अब ये लिमिटर जो है वो जरूरी नहीं कि हर बार उस पर्टिकुलर जगह पे ही काम करे जहां पे आरपीएम की रेड लाइनिंग शुरू हो रही है। अभी जैसे गाड़ी खड़ी है न्यूट्रल पोजीशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं गाड़ी को रेव करने की कोशिश करता हूं। आप देखते हैं, ये देखो 5000 आरपीएम से आगे गाड़ी नहीं जा रही है। कितना भी रेव कर लो गाड़ी 5000 आरपीएम से आगे नहीं जा रही है। ठीक है, अभी क्या होगा, मैं चलाता हूं गाड़ी को, फर्स्ट गियर में डाल के चलाना शुरू करता हूं। आप देखेंगे ये 5000 आरपीएम से ज्यादा जाएगा, यानी कि लिमिटर 5000 आरपीएम पे काम करना शुरू नहीं करेगा। अभी लिमिटर जो है वो दो तीन तरीके के होते हैं, सॉफ्ट कट होता है, हार्ड कट। हार्ड कट होता है जो कि आपकी गाड़ी को वहीं रोक दे के भैया आप यहां से आगे नहीं ले सकते, फ्यूल कट कर देता है वो। ठीक है, तो उससे धीरे धीरे आरपीएम वापस नीचे आने लग जाते हैं। सॉफ्ट कट होता है जो कि फ्यूल सप्लाई को धीरे कर देता है या फिर हो सकता है किसी और गाड़ी की किसी और चीज को कंट्रोल करे। जरूरी नहीं हर बार फ्यूल ही कट होगा, हो सकता है स्पार्क कट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लिमिटर काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सारे इफेक्टिव है, कार मैन्युफैक्चरर की पसंद है जो भी वो यूज करना चाहे अपने इंजन के साथ में। तो अभी सीट बेल्ट लगाते हैं क्योंकि अपनी सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी से एक और चीज याद आई, ये ऐसी चीज जब भी मैं करता हूं तो मैं पब्लिक रोड्स का यूज नहीं लेता हूं, तो इसीलिए मैं अभी भी आया हूं एक प्राइवेट रोड पे जहां पे ये चीज मैं करने वाला हूं। तो डेफिनेटली ऐसी चीजें पब्लिक रोड पे ट्राई ना करें। मेरे पास i20 एस्टा ऑप्शनल है जो कि पेट्रोल वेरिएंट है और अब मैं इस पे ये चीज टेस्ट करने वाला हूं कि इसका लिमिटर कब जो है चलते हुए कब कट ऑफ करता है। फर्स्ट गियर में मैंने डाल दी है गाड़ी को और अब मैं शुरू करता हूं। मैंने इस चीज को जब लास्ट टाइम ट्राई किया था तब मुझे याद है ये 6500 के आसपास ही कट हुआ था जो कि रेड लाइन दी हुई है वहां पे। अभी देखते हैं, फर्स्ट गियर में गाड़ी है, ये देखो फ्यूल सप्लाई धीरे धीरे कट हुई है। भले ही मैं एक्सलेट कर रहा हूं लेकिन वो उससे ज्यादा एक्सलेट हो नहीं पा रही है। तो इसका मतलब यही है कि गाड़ी का लिमिटर यहाँ पे सॉफ्ट कट लिमिटर गाड़ी में दिया गया है, वो एकदम से फ्यूल सप्लाई पूरी तरीके से कट नहीं करता है, लिमिटर पूरी तरीके से काम नहीं करता है। हल्का हल्का फ्यूल फिर भी वो सप्लाई कर रहा है या हल्का हल्का इंजन को चलने दे रहा है लेकिन 6500 से ऊपर जाने वो अलाउड नहीं कर रहा है। और तो बस यही है, यही काम होता है लिमिटर का कि भैया आपकी गाड़ी की स्पीड को नहीं कंट्रोल करता, वो आपकी गाड़ी के इंजन को रेव यानी कि जो आरपीएम है उसको कंट्रोल करता है। तो बस यही है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये रेवोल्यूशन वाला चक्कर जो है, रेव लिमिटर वाला चक्कर जो है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डेली आपके लिए एक ना एक वीडियो लाता रहता हूं। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।